नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स कुक विद कालिंदी में। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट्स कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो आज हम बना रहे हैं हांडवो, इंस्टेंट हांडवो। ये हम आज बनाएंगे सूजी से। हांडवो जो होता है बेसिकली बनता है कई सारे ग्रेन्स को भिगोकर, पीसकर और फर्मेंट कर, लेकिन आज हम सूजी का बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने सूजी ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डाल लीजिए। और इसमें आप अपने किसी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। बेसिकली इसमें लौकी पड़ता था लेकिन मैं यहाँ अलग अलग तरीके की सब्जियाँ ली हूँ। लेकिन उसके पहले सूजी फूल जाए अच्छे से, इसलिए हम दही मिलाएंगे और सूजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है इससे। तो मैं यहाँ पे 200 ग्राम सूजी में 100 ग्राम के लगभग दही मिलाई हूँ और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी मिलाएंगे। तो ये हमारा मिल गया अच्छे से। देखिए ये मैंने पानी मिला के ऐसा गाढ़ा बैटर तैयार किया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया चॉप किया हुआ, इसके अलावा शिमला मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में, ग्रेट किया हुआ गाजर एकदम बारीक चॉप किया हुआ, पत्ता गोभी, थोड़े से बीन्स। तो ये सारी सब्जियाँ हम इसमें डालेंगे। आपको इसके अलावा जो भी आपकी पसंदीदा सब्जी है आप इसमें मिला सकते हैं। ये इसीलिए बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां पड़ती हैं, सूजी, दही। और आज मैं जो हांडवो दिखा रही हूँ वो आपको स्टीम किया हुआ दिखा रही हूँ। बेसिकली इसको बेक किया जाता है। ये कहा जा सकता है कि इंडिया का नमकीन केक है, लेकिन आज मैं इसे सॉफ्ट बनाने के लिए स्टीम किया करके दिखाऊंगी, भाप पर पका के हांडवो मेकर में ही। तो ये देखिए मैंने सारी सब्जियां बातें करते करते अच्छे से मिक्स कर ली हैं और अब हम इसको ढककर रख देंगे लगभग 20 मिनट के लिए ताकि अच्छे से फूल जाए। और ये देखिए हांडवो मेकर ऐसा होता है और इसके नीचे एक बर्तन होता है जिसमें हम बालू या फिर नमक रख के इसको हीट देते हैं। लेकिन चूँकि मैं आज स्टीम करके बताऊंगी तो यहाँ नीचे मैंने एक भगोना में पानी रख दिया है जिससे स्टीम निकलेगा और हांडवो इसमें अच्छे से फूल। तो ये देखिए हमारा फूल गया है। तो इसमें मैं एक पाउच जो है पूरा इनो डाल दे रही हूँ। अगर आपको कम लगे थोड़ा आप और मिला सकते हैं। और इसमें पानी डाल के थोड़ा सा अच्छे से, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है कि इसके एयर ख़त्म हो जाए, अच्छे से मिक्स करना है। और कोशिश करें एक ही डायरेक्शन में मिलाएं, ये थोड़ा ज़्यादा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत ही फ्लफी और एयरी हो गया है बैटर। तो और उधर मेरा स्टीमर गर्म हो गया है, भाप आ रही है। तो हम फटाफट हांडवो मेकर में इसको सेट कर लेंगे। इसमें मैंने चारों तरफ से ऑयल लगा दिया है पहले ही ताकि अच्छे से निकल पाए, डीमोल्ड हो पाए हमारा हांडवो। देखिए इसमें अच्छे तरफ से चारों तरफ से हम डाल देंगे। ये पूरी फैमिली के लिए एक साथ बन सकता है नाश्ता। ये बहुत ही आसान और हेल्दी नाश्ता है ये सुबह का। ये पानी हमारा इसमें गर्म हो रहा है, अब इसके ऊपर हम रख देंगे अपना हांडवो मेकर। क्योंकि मैंने बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाया है इसलिए मैंने इसको लगभग 45 मिनट तक पकाया है। बाकी आप क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितने देर आप उसको बीच बीच में चेक कर लें या नाइफ डाल के या कोई सींग डाल के। अगर वो क्लियर आता है तो इसका मतलब वो पक चुका है। तो ये देखिए हमारा इतना बड़ा सा हांडवो
बनके तैयार है और ये सॉफ्ट दिख रहा है। अभी बहुत गर्म है, आप चाहें तो फिर इसको तड़का भी लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।